हेलो फ्रेंड्स, शिलोंग तीर फॉर्मूला यूट्यूब चैनल में आपका फिर से और एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आज आप लोग के लिए जो 16th मार्च 2022 यानी वेडनेसडे के लिए खानापारा तीर का हाउस एंडिंग एंड नंबर निकाल के दिखाने वाला हो आज की इस वीडियो में, वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली करके आप लोगों के सामने ही। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को पूरा समझना है तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, एंड शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर से देखते रहना। एंड शिलोंग तीर फॉर्मूला यूट्यूब चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोग के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस लेके आता हूँ तीर रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को हम लोग करते हैं शुरू। तो जैसे कि रिजल्ट आया था जो 15 मार्च 2022 यानी ट्यूजडे में जो रिजल्ट आया था वो आया था फर्स्ट वन 68 एंड सेकेंड वन आया था 31। तो यही दो रिजल्ट ही हम लोग जो 16 मार्च 2022 यानी वेडनेसडे के लिए केपी तीर यानी खानापारा तीर का हाउस एंडिंग एंड नंबर आप लोगों के सामने ही निकाल के दिखाने वाले हैं। तो आप लोग को यहाँ पे एक पेपर में आप लोगों को पहले यहाँ पे ए लिखना होगा, फिर यहाँ पे लिखना है बी, फिर यहाँ पे लिखना है सी, फिर यहाँ पे लिखना है डी। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया इसको ही हम लोग को ए बी सी डी करके हम लोग को डिवाइड करना होगा। तो ए की जगह हम लोग को लिखना है सी, तो बी की जगह हम लोग को लिखना है 8, सी की जगह हम लोग को लिखना है 3, डी की जगह हम लोग को लिखना है 1। ठीक है, तो 68 एंड 31 जो रिज़ल्ट आया इसको हम लोग अलग अलग से किया है, निकाला है। तो अभी इसको हम लोग को करना होगा प्लस। तो अभी फॉर्मूला यहाँ से शुरू होगा, आप लोग गौर से अभी देखिए। तो अभी यहाँ पे ए के साथ हम लोग को करना होगा डी को प्लस, तो बी के साथ हम लोग को करना है सी को प्लस। ठीक है, तो ए क्या होगा, ए होगा 6, डी क्या होगा, डी होगा 1। तो 6 + 1 क्या होगा 7। ठीक है, तो बी हम लोग को क्या मिला था, बी हम लोग को मिला था 8, सी मिला था हम लोग को 3, 8 + 3 क्या होगा 11, 11 का हम लोग को राइट साइड वाला 1 लेना है। ठीक है, तो हम लोग को हाउस एंड एंडिंग क्या मिलेगा, हाउस एंड एंडिंग मिलेगा हम लोग को 7 एंड 1। ठीक है, तो ये तो हम लोग को हाउस एंड एंडिंग मिल गया है। तो चलिए मैं अभी कुछ नंबर आप लोग के लिए प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर देने वाला हूँ, तो नंबर में ये दो ही रखूँगा 71 एंड इसको उलट के 17। ठीक है, तो एंड अभी इसको हम लोग को इसका जो वैल्यू है वो भी हम लोग को लेना है। तो वैल्यू नंबर हम लोग कैसे निकालेंगे, वैल्यू नंबर निकालने के लिए हम लोग को पहले एक पेपर में 0 लिखना है, फिर यहाँ पे 1 लिखना है, फिर यहाँ पे 2 लिखना है, फिर यहाँ पे 3 लिखना है, फिर यहाँ पे 4 लिखना है। ठीक है, तो अपोजिट में यहाँ पे हम लोग को लिखना है 5, तो यहाँ पे लिखना होगा 6, तो यहाँ पे लिखना है 7, यहाँ पे लिखना है 8, यहाँ पे लिखना है 9। तो ये है दोस्तों वैल्यू नंबर, यानी 0 का वैल्यू 5, 5 का वैल्यू 0, 1 का वैल्यू 6, 6 का वैल्यू है 1, 2 का वैल्यू 7, 7 का वैल्यू है 2, 3 का वैल्यू 8, 8 का वैल्यू है 3, 4 का वैल्यू है 9, 9 का वैल्यू है 4। तो यही है दोस्तों वैल्यू का नंबर। तो अगर हम लोग 7 को एक जगह पर रखेंगे तो 1 का वैल्यू करेंगे 76, फिर को यहाँ पे 67, तो 1 को जगह पे रखेंगे, 7 का वैल्यू करेंगे, 7 का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो 21 एंड 12, तो अब इसको पूरा हम लोग को वैल्यू करना है, 7 का वैल्यू क्या है 2, 1 का वैल्यू है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 26 एंड 62। तो ये दोस्तों 8 नंबर निकल के आता है। अगर ये 1, 7 एंड इसका जो वैल्यू नंबर आता है तो यही है, यही में से दोस्तों रिजल्ट होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि अगर यही से 7 एंड 1 में से रिजल्ट होता है तो क्या नंबर होना चाहिए, आप लोग आपका जो भी ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो बस यही तक था आज का वीडियो, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर से करना, ताकि सब लोग को पता चले कि खानापारा तीर में 16 मार्च 2022 यानी वेडनेसडे के लिए कोड क्या हो सकते हैं। ये दोस्तों कोड यानी 7 वर्ड में से रिजल्ट होना चाहिए। तो डेली ऐसे ही और भी तीर रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप लोग हम लोग का इस चैनल शिलोंग तीर फॉर्मूला को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी तीर रिलेटेड वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।